दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर नारेबाजी की और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। कांग्रेस ने खुद को ईमानदार सरकार बताने वाली आप सरकार पर बड़ा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। डीपीसीसी ऑफिस के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। संदीप दीक्षित ने मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। देर हुआ बहुत, जो पहले होना चाहिए था ये तो, बल्कि जिस दिन आपका नीति घोषित हुई थी और तमाम डीलरों से डील हो गई थी और पैसे आ रहे थे उस समय पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ पैसा इन्होंने लिया वो तो सब पंजाब में खर्च हो गया। तो अब तो उस हिसाब से तथ्य नहीं मिलेगा। आप देखें ना, सीधे सीधे पहली चीज क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, कुछ पैसा नहीं मिला। अरे पैसा कैसे नहीं मिलेगा, वो तो बट गया भाई, बटने के बाद थोड़ी कुछ चीज मिलती है। लेकिन हाँ, जो कागजों में सबूत है, जो लोगों से बातचीत करके हैं, वो तो तथ्य है ही। उसमें तो बिना किसी संदेह के ये लोग फंसेंगे, फंसे हैं। यही नहीं, आप खुद, मैं अब क्या आपको बताऊं, लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे कांग्रेस के विधायक लोग हैं जो आजकल बीजेपी से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से, उनके फोर आ रहे थे कि यार हम लोगों का नाम अलग रखना, क्योंकि भाई बंदरमार तो सबके साथ हुई है, ये खिचड़ी तो सबने खाई है। तो आम आदमी पार्टी के खुद लोग जब जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि मुझे बताया गया था, मैं जब पंजाब में काम कर रहा था तो इनके कुछ प्रभारी लोग वहां पहुंचे हुए थे, वो मुझसे कह रहे थे कि आज चिंता ना करो, आबकारी के बाद हमारे पास बहुत पैसा आ गया, आप लोग हारोगे चुनाव। ये नहीं कह रहे थे हमारे पास जनसमर्थन था। आप तर्क सुनो, नॉर्मली जब हम लोग पार्टियों में बात करते हैं, बीजेपी जैसे हमसे कहती है कि नहीं भाई साहब, एक धर्म का वोट हमारे पास है, तुम कहीं नहीं हो, या हमारे पास ज्यादा पॉपुलर नेता, तुम कहीं नहीं हो, वो ये नहीं कहते कि हमारे पास ज्यादा रसूख है, पैसे वाला तुम्हारे साथ। आम आदमी वाले यही चर्चा करते हैं कि आपसे ज्यादा संसाधन है हमारे पास, आप तो छोड़ दो चुनाव। तो जिस पार्टी की पूरी मंशा ही ये हो कि हम मीडिया खरीदेंगे, वोट खरीदेंगे, पुलिस खरीदेंगे, जज खरीदेंगे, गवाह खरीदेंगे, वो किसी न किसी दिन इस लपेटे में फंसेंगे। सर, केजरीवाल साहब जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी खबर छपी इसलिए छापा पड़ा है। अच्छा भैया, ये खबर कौन सी छपी, क्या छपी, मुझे तो नहीं मालूम है। विदेशी न्यूज़पेपर्स में तो शीला जी की बहुत खबरें छपी थी, उस समय तो कभी केजरीवाल ने नहीं बताया। 11-12 बार उनकी खबरें छपी, शिकागो को शीला दीक्षित डे मनाया गया, किसी ने छापा क्या? न्यूयॉर्क में उनका अलग स्वागत हुआ, किसी ने छापा क्या? लंदन में उनको ऑनर किया गया, किसी ने छापा क्या? बाहर क्या होता है, हमसे उससे क्या लेना देना भाई। और एक चीज याद रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वो अखबार हैं जो 47 के पहले बरतानिया हुकूमत की सेवा किया करते थे, ये सब के सब वो अखबार हैं जो दुनिया में एक तरह की नीति को लगाते हैं। आज विदेशी ताकतों को मालूम है कि अगर इस देश को मोदी से भी ज्यादा कोई बेच सकता है तो केजरीवाल बेच सकता है। इसलिए धीरे धीरे, आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी का विदेशियों की अखबारों में तारीफ आने लगी थी, अब इनकी आने लगी है। कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका और केजरीवाल और सिसोदिया का मुखौटा और जूतों की माला पहनकर कार्यकर्ताओं ने गधा सवारी भी की।